हेलो नाइस जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। शुक्रिया, बहुत बहुत फरजाना, आपको भी बहुत ईद मुबारक जी। हम चाह रहे हैं कि आप कोई हमारे पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए ईद पे मैसेज दीजिए, हमारे पाकिस्तान के लिए कोई मैसेज दीजिए। जी, मैसेज मेरा यही है कि ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसे हम इसलिए मनाते हैं कि ये 30 दिन के रोजे रखने के बाद आता है ये त्यौहार, और वो ये हमें सब्र सिखाता है, और इसी में हमारी किताब कुरान शरीफ उतरी थी 30 दिन में। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि इसकी बहुत अहमियत है और इसको समझने की जरूरत है कि ये हम मनाते हैं, और अल्लाह भी आसमान पे चांद दिखा देता है। तो ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि है ये हम, जी बिल्कुल, और हम इस पैगाम को अपनी यूथ तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारी जो रिवायात हैं पुरानी वो ना भूलें, हमारे जो कदीम आर्ट्स हैं उनसे सोसाइटी में बैलेंस पैदा होता है, क्योंकि आजकल मौसीकी और रक्स को अजीब मस्त हालत में पेश किया जा रहा है, और मैं समझती हूँ कि जो यूथ है उसमें बैलेंस इसलिए आता है कि वो उतनी ही रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करें असली जो बिल्कुल हैं, और उतना ही पढ़ाई में दें ध्यान और सच्चे बनने की कोशिश करें। अब जो पॉलिटिकल हालात हमारे यहाँ हैं इस जी वक्त, जी वो तो सच्चाई की गवाही देने के लिए हमें खड़ा होना चाहिए, जो बेशक भी सच्चाई की तरफ है। हमें अपनी कौम को, अपने पाकिस्तान को हमेशा बहुत ही ऊपर बुलंद सतह पे देखने की जरूरत आमीन। है, ये है मेरा पैगाम। थैंक यू नाहिद जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पैगाम दिया है। और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को भी बहुत ज़्यादा तरक्की दे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, और दुश्मनों जी की मैली मुल्क, आँख से इसे बचाए रखे, हमारी तो यही भी है। बिल्कुल, मुल्क तो सारी एक-एक इंसान यहाँ का मुल्क है। तो असल में ये शऊर जो अब जाग रहा है लोगों में, और जी इसके लिए तालीम बहुत जरूरी है। इतनी देर हमारी कौम को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया क्योंकि वो रियाया थी। बिल्कुल, मैं गुलाम समझती हूँ बना कि के रखा तालीम है ना, गुलाम, जी हाँ गुलामी, रियाया। रियाया रियाया जी बिल्कुल हाँ, इसीलिए, सही कह रही हैं आप, जी रिया जी इसीलिए नहीं पढ़ाया लिखाया कि शौर आ गवर्नमेंट की जाएगा। हुकूमत। जी, तो वो अवेयरनेस तो पढ़ाई से ही आती है, पढ़ाई लिखाई से। आज देखो तक मतलब है, जो लोग हमारे पे मुसल्लत रहे उन्होंने कोई इदारे तालीम के नहीं बनाए, अस्पताल नहीं बनाए, और ये सब कुछ लोगों के सामने है। अब बिल्कुल, उनको जागने की जरूरत है और तालीम की बहुत जरूरत है। तालीम की जरूरत है, और हमें अपनी खुद मुख्तारी और अपनी खुददारी कर, कहते हैं ना, सिर्फ अल्लाह के सामने हमने झुकना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने, और वो ही सबको देने वाला है, और जी इज्जत पे बिल्कुल कभी बिल्कुल हमें कॉम्प्रोमाइज अपनी नहीं करना चाहिए किसी के आगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल, एक बच्चे की जो है ना तालीम से ज्यादा कहते हैं तरबियत जरूरी तरबियत, होती बचपन में बिल्कुल हम पढ़ा बिल्कुल करते थे तालीम और तरबियत की किताब आती थी, आपने जी देखी होगी, जी वही मैं जी हमेशा हाँ याद रखती हूँ कि तरबियत का जो लफ्ज है ना साथ, बहुत जरूरी है। जी 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 तरबियत अब जाहिर है वो होगी ना कि अब हमारी जनरेशन पढ़ी लिखी हो और खानदानी हो, झूठ ना बोलें, सच का साथ दें, क्योंकि इतना खूबसूरत मुल्क हमें अल्लाह ने अता किया है, हम बेशक इसको झूठ की नजर ना होने दें। हमें बे ये सिखाना है अपनी पौध को। बेशक हमें अभी जो आजादी है, हम शायद उसका मतलब समझ ही नहीं रहे। हम अपने बुजुर्गों से, अगर जो अभी हयात हैं, अगर उस जमाने में, मैं कहती हूँ जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था, सोचिए उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी थी एक अपनी इस्लामी मुमलिकत के लिए, के मतलब जहां हम आराम से आजाद फजा में रह सके। तो हमें कदर जी शायद नहीं है, क्योंकि आजादी होती क्या है, तो हमें इसकी जी कदर तो करनी चाहिए। जो बड़े हैं वो ही बताएंगे ना। अब ईद भी तो कुर्बानियों के बाद आती है, हाँ देखें ईद तो तो रमजान जी शरीफ ईद है, आप सोचें पूरा रमजान शरीफ एक जिस्म का और नफ्स का आपको कुर्बानी देनी बिल्कुल होती है। जी, और वो कुर्बानी नहीं है, वो तो एक त्योहार खुशी मनाते हैं हम उसके आखिर में, और और जो गरीबों के इसकी लिए, गरीबों के लिए जो है, हमें
उस तरह सोचने की एक हमें मिलती है, जो बेचारे कम हैसियत के हैं कि वो लोग सोचें किस उसमें रहते होंगे। जी बात तो ये है कि असल में फिर गरीब भी कोई नहीं होगा अगर कौम जाग जाए। हाँ कोई गरीब नहीं होगा, गरीब तो ज़हनी गुलाम होते हैं। गरीब इसलिए नहीं होते कि उनको कपड़ा और चीजें नहीं है उनके पास, गुर्बत में असल में किरदार की गुर्बत है। ये आपने मिलियन में कहती हूँ, मिलियन डॉलर का आपने एक बहुत खूबसूरत मैसेज दिया कि हम मुफलिस या गरीब ज़हनी तौर पे होते हैं, पैसा आने जाने काम ऊंचा ये नहीं हमारी। ये आप देखिए अगर कोई मुश्किल में हो तो यही काम आते हैं गरीब, जान देने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए कि उनमें गैरत है। ये सिर्फ इसलिए गरीब है वो, उन्होंने अपनी गैरत नहीं बेची। हाँ सौदा नहीं किया, सौदा नहीं किया गरीब। जी जी, अगर हम इसको गरीब कहेंगे तो फिर अमीर क्या होता है? नहीं तो पैसा, पैसा होने से इंसान अमीर या वो नहीं हो जाता। वही आपकी मैंने कहा ना, आपने ऐसी बेहतरीन सुनहरे अल्फाज कह दिए कि ये ज़हनी तौर पर मुफलिसी जो है। जी ये बात तो ये है, वरना तो आप देखिए कि कैसे लोग अब बाहर सड़कों में अपनी आजादी के लिए निकल रहे हैं, इससे क्या जाहिर होता है कि वो दबे रहे थे। वो जब इतनी देर आप एक स्प्रिंग को जगाते दबाते हैं तो कैसे एकदम ऊपर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत थैंक यू वेरी मच नाई जी, आपका इतना खूबसूरत मैसेज। मैं समझती हूँ कि अगर इसको लोग इसकी डेप्थ में जाके समझेंगे ना तो उनकी भी ये एक तालीम ही हो गई। समझिए आपकी बातें तालीम का एक हिस्सा बन गई हैं। ये तो है, थैंक यू। अल्लाह रोशनी देता है ना अगर आप सकते हैं। बेशक बेशक, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया और इतना प्यारा मैसेज दिया। फिर इंशाल्लाह आपसे इन टच ही रहूंगी। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आप हम सब से अल्लाह पाक अच्छे काम करवाने की तौफीक हमें सबको दे। तो आमीन आमीन, शुक्रिया बहुत, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच उनका। थैंक यू, ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।